हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो मेरा नाम वजाहत है और मेरा नाम नदीम। चैनल बनी हुए तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज का वीडियो बहुत ज्यादा एक बैड है, शर्म आनी चाहिए चाइना को जो उसने किया है। चाइना ने मतलब एक मतलब के इंडियन औरत को मारा है सिंगापुर में। सिंगापुर में ये बहुत बुरा किया यार, शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने हाथ उठाना गलत चीज है। कोई भी अगर उठाए लेकिन चाइना ने क्यों किया ये? ऐसा चीज हो धर्म हो, इसमें कोई इजाजत नहीं है कि औरत पे हाथ उठाए। तो वही ना, चाइना ने अभी ये हरकत घटिया की। अभी देखते हैं कि हुआ क्या ऐसा, कि क्यों उन्होंने ऐसा किया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये लगाएं पापा जी आप, और ये मैं लगाता हूँ। 3-2-1 स्टार्ट। पता नहीं क्यों करते हैं ना ये देखो ना, काफी छोटे हैं क्या, छोटे मारिए वो देखे ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ने पूरी दुनिया के अंदर होश फाकता कर दिए हैं इंसानियत को मानने वाले लोगों के। 30 साल के एक चीनी लड़के ने 55 अच्छा। साल की भारतीय मूल की महिला के ऊपर हाथ उठाया है। ना सिर्फ हाथ उठाया है बल्कि उसे घायल भी कर दिया है, उसकी कोहनियों पर भी चोट आई है। और तो और उस चीनी युवक का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने इस महिला की छाती पर भी चोट पहुंचाई है। लेकिन आप कहेंगे कि ये चीनी लड़के ने इतना बड़ा कदम आखिरकार उठा कैसे दिया। ये सारी स्टोरी और सारी डिटेल आज हमारे पास आ गई है। और इसी के साथ सिंगापुर, जो हां एक तरफ भारत को मदद भेजी जा रही है, सिंगापुर सबसे बड़ी मदद कर रहा है क्रायोजेनिक कंटेनर के रूप में। और सिंगापुर वो देश भी है जहां पर कोरोना वायरस को लेकर कहा जाता है कि सबसे अच्छा स्थान है COVID-19 से लड़ने के लिए, क्योंकि यहां पर केसेस बहुत कम है। लेकिन एक 30 साल का चीनी कपल एक रस्ते पर जा रहा था। ये जो तस्वीर है ये वही रास्ता है। और इसी रस्ते के अंदर एक 55 साल की भारतीय मूल की महिला भी जा रही थी, जिसका नाम बताया जा रहा है हिंडोया नीता विष्णुबाई। और ये महिला अपने रास्ते पर जा रही थी, इसने भी मास्क लगा रखा था और चीनी लड़के ने भी, चीनी कपल ने भी मास्क लगा रखा था। लेकिन भारतीय मूल की महिला के जो मास्क है वो सही प्रॉपर तरीके से मुंह को कवर नहीं कर रहा था। तो इसी के चलते चीनी कपल रुका, उसने 55 साल की महिला के साथ टोका टोकी शुरू कर दी कि आखिरकार आप अपना मास्क सही ढंग से क्यों नहीं डाल रही है। दोस्तों यहां पर एक कहासुनी शुरू हो गई। कहासुनी शुरू हुई तो चीनी लड़के ने ना आव देखा, ना ताव देखा, ना ही उस महिला की उम्र देखी और ना ही उस महिला का कदकाठी देखी। उसने तो जमकर लात गुस्से चलाने शुरू कर दिए और उस महिला की छाती पर, चेस्ट पर भी उसने वार किया है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये 55 साल की महिला की है। और इस तस्वीरों को देखकर हम भी आज बहुत शॉक्ड हो गए हैं कि किस जलील तरीके से उस जलील व्यक्ति ने इस महिला को पीटा है। हालांकि उस व्यक्ति ने इस महिला को चोट तो पहुंचा दी है, लेकिन वो चोट पहुंचाकर इतना डर गया कि वो उस सिचुएशन को वहीं पर छोड़कर भाग गया। लेकिन जैसे ही महिला ने पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है और अब उसकी गिरफ्तारी होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। सिंगापुर के लोगों को एक बहुत झंझोड़ कर रख दिया है। फेसबुक पोस्ट के ऊपर इसको एक कंडेम किया है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके के हालातों को देखकर यहाँ पर रेसिज्म अटैक जो हुआ है ये वाकई में ही निंदा का कारण है। फिलहाल सिंगापुर के गृह मंत्री ने इसके ऊपर टिप्पणी की है अपनी पार्लियामेंट के अंदर और उन्होंने स्ट्रॉन्ग एक एक्शन लेने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सिंगापुर आने वाले समय में खत्म हो जाएगा अगर इस तरीके के रेसिज्म और सिनोफोबिया जैसे तौर तरीके अपने देश में अगर इस तरीके से पनपते हैं। तो दोस्तों ये घटना हुई है तो सिंगापुर की इमेज के ऊपर चोट पहुंची है। ये चीनी व्यक्ति का तो क्या है जी, दुनिया में ही जलील होने वाले हैं आने वाले समय में। लेकिन इन्होंने ये जो जलील हरकत की है ना, इससे सिंगापुर का नाम बदनाम हुआ है। और इसी के चलते गृह मंत्री ने कहा है पार्लियामेंट में खड़े होकर कि सिंगापुर तो खत्म हो जाएगा। सिंगापुर की कमाई ही दुनिया के दूसरे देशों से आती है क्योंकि उसकी इमेज बनी हुई है। अगर यहाँ पर इस इमेज को चोट पहुंचती है तो सिंगापुर खाएगा क्या। तो इसी के चलते इस व्यक्ति की सख्त सजा देनी चाहिए। हालांकि इस व्यक्ति को क्या सजा दी जाएगी अगर एक ये पब्लिक प्लेस पर इस तरीके की हरकत हुई है, तो सिंगापुर के एक रूल रेगुलेशन है कि उसके ऊपर 2000 सिंगापुर डॉलर का फाइन लगेगा और अगर ये केस और भी ज्यादा गंभीर है तो 3 महीने की भी जेल हो सकती है। हालांकि फिलहाल सिंगापुर इससे बहुत शॉक्ड है और सिंगापुर के पीएम ने भी इसको कंडेम किया है और गृह मंत्री की स्टेटमेंट भी इतनी स्ट्रिक्ट आई है। हो सकता है कि इस चीनी व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सिंगापुर का प्रशासन ले सके। लेकिन दोस्तों इन तस्वीरों ने हमें तो बहुत शॉक किया है कि एटलीस्ट इन चीनी लोगों का इलाज कुछ ना कुछ तो हमारी सरकारों को भी करना चाहिए। हमारी सरकार को भी चाहिए कि इस अटैक के कंडेमनेशन चीन की सरकार को भी भेजे और एटलीस्ट सिंगापुर के प्रशासन के ऊपर भी दबाव डाले कि इस व्यक्ति के लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान सिंगापुर के प्रशासन
में लाया जाए। अब बताइए $2,000 देकर तो ये चीनी व्यक्ति फिर किसी महिला को पीट देगा, लेकिन एक पुरुष होकर महिला के ऊपर हाथ उठाना इसकी मर्दानगी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस चीनी व्यक्ति के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम यही कहेंगे कि बहुत गलत किया। वही ना, इधर ये वीडियो खत्म। बहुत गलत किया यार, दुख हो रहा है, देख के शर्म आनी चाहिए ये इनको, चाइना वालों को। मतलब कि इंसानियत नाम की चीज नहीं अगले में यार। चलो अगले ने मास्क नहीं पहना सही, उसका ये बात तो नहीं बनती ना कि लड़ाई झगड़े शुरू कर दें। वही ना, अगर मास्क नहीं पहना तो आप मास्क उसको बोलो कि भाई एक और तरीके पे बंदा समझाता है ना प्यार से जी, वायरस फैला हुआ है तो आपका मास्क थोड़ा नीचे उतरा हुआ है, आप प्लीज ऊपर कर दें। उसकी अपनी भी एज का ख्याल करो, उसकी एज का भी ख्याल करो। आप 30 साल के हैं, वो 55 साल के, आप जवान हैं और वो बेचारी थोड़ी वेल एज्ड है, और शर्म आनी चाहिए उनको ये हरकत करते हुए। लेडीज कोई भी हो, काम भी हो, कोई भी बंदा हो, हाथ नहीं उठाना चाहिए उन पे। लेकिन ये जो चाइनीज है ना, इनमें इंसानियत नाम की चीज नहीं, ये दरिंदे होते हैं। ये बहुत ऐसी कौन है कि बंदा नहीं बयान कर सकता यार। अगर ये अच्छे, इतनी अच्छे होते तो अभी हमसे दोस्ती करके बैठे हुए हैं, तो उधर चाइना में मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, कहते पाकिस्तानी और हम भाई भाई हैं तो मुसलमानों पे जुल्म क्यों करते हैं। बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे ज्यादातर इसी तरह का सिस्टम है यार। अब देखें इंडिया में हर एक धर्म को आजादी है, अब यहाँ पे भी अल्लाह का करम है कि यहाँ पे भी वो अभी जो गवर्नमेंट न्यू आई है उन्होंने काफी अच्छे रूल्स निकाले हैं, जैसे हर एक किसी को यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन ये है कि काफी खराब लोग, मैंने तो ऐसा भी सुना है कि बाद होगा चाइना के ऐसे इलाके भी हैं जिधर मुसलमानों को नमाज भी नहीं पढ़ने देते। जुर्म है उधर, जुर्म सही बोल रहे हैं, सर पे टोपी पहनना जुर्म है, वहाँ पे दाढ़ी रखना जुर्म है, वहाँ पे आप लोग रोजा फास्ट नहीं रख सकते। बिल्कुल सही बोल। ये अभी ऐसा मत है, ये सिंगापुर की हुकूमत पे एक्शन लिया है और बहुत सही किया है, करना भी ऐसा चाहिए। क्यों एक्शन ऐसा लिया है ना, पीएम तक बात गई है। बिल्कुल पीएम तक बात चली गई, अभी सजा ऐसे होगी, पकड़ा गया चार महीने पांच महीने से सजा और जुर्माना भी होगा इसे, क्योंकि औरत पे हाथ उठाया ना, वो अभी इसे ओल्ड उम्र की है। और ये बात ऊपर तक गई है काफी, क्यों बाबा इसे कंडेम करना चाहिए, क्योंकि पीएम ने भी कंडेम किया है। बिल्कुल, और यही तो मैं कह रहा हूँ कि पीएम तक बात चली गई है, ये उसके हाथ बता रहे हैं, हाथों पे जख्म आए हैं। वो लगता है उसे धक्के शक्के भी दिए होंगे, दीवारों के साथ बेचारी वो लगी होंगी या नीचे गिरी होंगी तो यहाँ पे चोट लगी होगी। कोई मजहब ऐसा नहीं, कोई इजाजत नहीं देता की औरत पे हाथ उठे, यार इंसानियत ही नहीं रहती। इंसानियत है ना, इंसानियत में हर मजहब यही दर्द देता है कि औरत का एहतराम करो। बिल्कुल, इनका कोई धर्म ही नहीं होता। बिल्कुल सही बात, इनका चाइनीज का तो कोई धर्म नहीं है, वो सही बात है, उनका कोई नहीं होता। और यार आप लोग बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।